हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव लाइफ सिंपली। और आज है रोथ तीज। तो रोथ तीज के दिन जो है जैन्स हैं वो सिर्फ एक ही प्रकार का अनाज लेते हैं पूरे दिन। तो आज के दिन बनता है रोट, खीर, तुरई की सब्ज़ी और मिर्ची। तो आज मैं वो सब बनाने जा रही हूँ। और जो रोथ तीज है वो यही सिंबलाइज करता है कि जो मनी है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, वो हमें असली खुशी नहीं देता है। जो त्याग है उससे हमें असली खुशी मिलती है। तो ये जो फेस्टिवल है वो ये सिंबलाइज करता है और इसीलिए ये फेस्टिवल बनाया जाता है। तो आज मैं ये फेस्टिवल का खाना बनाने जा रही हूँ और उसके पहले मैं करूँगी थोड़ी सी अपनी नॉर्मल पूजा। तो बस मैं आपके साथ यही शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये मेरा एक छोटा सा मंदिर है जो मैंने बना के रखा हुआ है। भगवान की तस्वीर है और कुछ बुक्स हैं, कुछ लौंग है और माला है। तो मैं अब जो सुबह अपनी पूजा होती है वो करूँगी। और हम लोग के इसमें जो भगवान की मूर्ति होती है वो घर पे नहीं ला के रखते हैं, इसके लिए हम लोग तस्वीर से ही जो पूजा वगैरह वो करते हैं। रोथ तीज के पीछे कथा भी होती है जो बहुत ही प्राचीन है और इसके लिए बेसिकली ये रोथ तीज बनाया जाता है। तो पूजा करने के बाद मैं जो खाना है वो बनाना चालू करूंगी। तो पूजा खत्म होने के बाद मैं सबसे पहले रोट बनाना चालू करूंगी। और रोट बनाने के लिए बेसिकली मोटा आटा लिया जाता है, लेकिन मेरे पास मोटा आटा नहीं है तो मैं रवा थोड़ा सा ऐड कर लूँगी उसमें, रवा या सूजी। और इसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन, नमक और मोयन के लिए थोड़ा सा घी डालूँगी। इसमें घी ही डाला जाता है। तो बस ये मेरे जो मिक्सर है वो एकदम तैयार है और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के ऐड करूँगी। और इसे 15 मिनट के लिए ढक कर के रख दूंगी और फिर रोट बनाऊंगी। तो 15 मिनट हो चुके हैं और आटा जो है वो भी थोड़ा सा सेट हो गया है। एक बार मैं उसे वापस से अच्छे से मसल लूंगी और फिर इसके रोट बनाना चालू करूंगी। तो जो रोट होते हैं वो बहुत लाइक जो रोटी है उससे मोटे होते हैं, तो इसके लिए बड़ा मैं एक पेड़ा जैसा ले लूँगी और इसके साइड में डिज़ाइन की जाती है और जो ऊपर है उसे थोड़ा सा डिज़ाइन दिया जाता है लाइक ढक्कन से या फिर रिंग से, और कई लोग हाथ से भी डिज़ाइन बनाते हैं। तो इससे ये होता है कि रोट जो है वो अंदर तक सिक जाता है पूरा। तो ये मेरे रोट बन करके तैयार हैं और अब मैं इन्हें ओवन में डाल दूँगी सिकने के लिए। इसे ट्रेडिशनली तो चूल्हे पर सेका जाता था और अब लोग कई लोग गैस पर भी सेकते हैं। तो इसे सिकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू रोटी। तो जब तक ये सिक रहे हैं तब तक मैं सब्ज़ी बना लेती हूँ। इस दिन सिर्फ तुरई की सब्ज़ी ही बनाई जाती है और इसके लिए मैं अब घी ले रही हूँ थोड़ा सा। इस तुरई की सब्ज़ी को बेसिकली मिर्ची से बनाया जाता है, हरी मिर्ची ऐड करके। तो मैं सारे मसाले ऐड करने के बाद हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी और फिर तुरई ऐड करूंगी। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही टेस्टी लगती है रोट के साथ। और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल करके इसे ढक करके पकने दूंगी। और जब तक ये पक रही है तो मैं खीर बना लेती हूँ साइड में। तो इसके लिए मैं चावल को थोड़ा सा जो है साफ़ कर लूँगी और थोड़ी देर उसे सोक कर लूँगी पानी में ही। और जब तक ये सोक हो रहे हैं तो मैं अपना दूध जो है वो गर्म कर लेती हूँ। इस दिन कई लोग आटे का हलवा भी बनाते हैं और कई लोग खीर बनाते हैं, तो मैं खीर बना रही हूँ।
और दूध के उफनने के बाद मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं, केसर ऐड किया है और अब मैं ये चावल ऐड कर रही हूँ और इसे मैं पकने दूंगी लाइक अराउंड हाफ एन आवर। और ये मेरी खीर बन चुकी है और अब मैं इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। तो ये मेरा कंप्लीट खाना बन करके तैयार है, रोट, तुरई की सब्ज़ी, खीर और ये मिर्ची है जो जिसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आप पाएँ मेरे वीडियो के सबसे पहले नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।